हाई फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्लिश स्टडी पॉइंट फ्रेंड्स टुडे इन दिस लेक्चर आई आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अनदर लिट्ररी मूवमेंट दैट इज़ ऑक्सफर्ड मूवमेंट सो फ्रेंड्स सिक्सटीन सेंचुरी के टाइम के बाद से जो है ब्रिटेन में एंग्गलिज़म को जो है फॉलो किया जाता था एंड एंग्लिकनिज़म को जो है हम चर्च ऑफ इंग्गलैंड के नाम से भी असोशिएट करते हैं एंड उस टाइम पर जो है कैथोलिसम को लोग जो है फॉलो करना पसंद नहीं करते थे एंड कैथोलिसिज्म को कहने से ही मेरा मतलब ये है कि कैथोलिसिज्म को जो है हम चर्च ऑफ रोम के नाम से भी एसोशिएट करते हैं सो सिक्सटीन सेंचुरी के बाद से जो है एंग्लिकनिज्म जो है डोमिनेंट रिलीजन बन गया था जिसे लोग जो है फॉलो करना ज़्यादा पसंद करते थे एंड उस टाइम पर क्या हुआ कि ये जो एंग्लिकनिज़म है ये एक तरीके से डोमिनेंट फोर्स बन गया था एंड साथ ही साथ जो है इस रिलीजन को जो है इंग्लैंड में एज़ ऑफिशियल रिलीजन के तौर पे जो है डिक्लेयर कर दिया गया था यानी एंग्लिकनिज़म को जो है ऑफिशियल रिलीजन जो है डिक्लेयर कर दिया गया था देन फिर क्या हुआ नाइनटीन सेंचुरी के टाइम पर अर्ली नाइनटीन सेंचुरी के टाइम पर जो है बहुत सारे चेंजेस देखे देखने को मिले आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन में जिसकी वजह से यानी उन चेंजेस का इंपैक्ट ये पड़ा कि कैथोलिक्स को जो है ज़्यादा रिलीजस लिबर्टी जो है वो ग्रांट हो पाई वो मिल पाई एंड फिर जो है ये देखने को मिला कि अब जो है एंग्लिकन चर्च के लीडर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वीक पड़ गए थे क्योंकि अब जो है पावरफुल इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो है जैसे कि पावरफुल इंस्टीट्यूशन से कहने का मतलब मेरा ये है कि इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ जो थी इन पावरफुल इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो है अब कहीं ना कहीं जो है एंग्लिकन चर्च के लीडर्स जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को वीक पाया हुआ देख रहे थे अब वो चाहते थे यानी एंग्लिकन चर्च के लीडर्स चाहते थे कि कोई ना कोई जो प्रैक्टिस है जो अच्छी बातें हैं कैथोलिक चर्च की वो जो है अडॉप्ट की जाए एंग्लिकन चर्च में एंड इसी से जो है ये मूवमेंट की शुरुआत होती है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की सो so फ्रेंड्स अब जो है मैं इस लेक्चर की शुरुआत कर रही हूँ So let's start. In Britain, since the 16th century, the people started following Anglicanism. कि कहा जाता है कि 16th century के बाद से जो है लोग जो है Anglicanism को follow करते थे जिसे हम जो है Church of England के नाम से भी associate करते हैं And उस time पर जो है Catholicism को जो है इतना follow नहीं करते थे And Catholicism को जो है हम Church of Rome के नाम से भी associate करते हैं Then देन चर्च ऑफ इंग्लैंड रिमेन अ डोमिनेंट फोर्स अब जो है ये चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है एक तरीके से डोमिनेंट फोर्स बन गया था एंड इंग्लैंड में जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड यानी एंग्लिकनिज्म को जो है ऑफिशियल रिलीजन जो है डिक्लेयर कर दिया गया था एंग्लिकनिज्म इस रिलीजन को जो है इंग्लैंड में ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि उस टाइम पर जो है ये रिलीजन एक तरीके से डोमिनट फोर्स बन गया था एंड फिर क्या हुआ फ्यू चेंजेस हैपेंड इन आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग नाइनटीन सेंचुरी अब जो है चेंजेस देखे देखने को मिले आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन में नाइनटीन सेंचुरी के टाइम पर एंड इन चेंजेस की वजह से क्या हुआ कैथोलिक्स को जो है ज़्यादा रिलीजस लिबर्टी मिल पाई सो बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस कैथोलिक्स वर ग्रांटेड मोर रिलीजियस लिबर्टी इन इंग्लिश देन दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिस नोन एज कैथोलिक इमेंसिपेशन क्योंकि अब जो है कैथोलिक्स को जो है ज़्यादा रिलीजियस लिबर्टी ग्रांट हो पाई सो इसी प्रोसेस को क्या बोला गया कैथोलिक इमेंसिपेशन जिसका मतलब है चेंजेस दैट हैपन इन ग्रेट ब्रिटेन यानी चेंजेस जो है देखने को मिले ग्रेट ब्रिटेन और साथ ही साथ आयरलैंड में और नाइनटीन सेंच अर्ली नाइनटीन सेंचुरी के टाइम पर जिसमें क्या हुआ कैथोलिक्स को जो है ज़्यादा रिलीजियस लिबर्टी जो है ग्रांट हो पाई यानी मिल पाई सो so, इसे ही बोला गया कैथोलिक इमेंसिपेशन ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी लीडर्स इन द एंग्लिकन चर्च एंड इस टाइम पर क्या हुआ बहुत सारे लीडर्स जो कि एंग्लिकन चर्च के लीडर्स हुआ करते थे उन्होंने जो है कैथोलिक रोमन कैथोलिक चर्च की जो क्वालिटीज़ होती थी उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया यानी रोमन कैथोलिक चर्च की हेरिटेज और ट्रेडिशन को जो है अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया एंग्लिकन चर्च के लीडर्स ने देन फ्यू गुड थिंग्स अबाउट रोमन कैथोलिक चर्च विच कैन बी अडॉप्टेड एज वेल कि अब जो है एंग्लिकन चर्च के लीडर्स ने यह डिसाइड किया कि कुछ अच्छी बातों को जो है एंग्लिकन चर्च में अपनाया जाए यानी कुछ अच्छी बातों को रोमन कैथोलिक चर्च की कुछ अच्छी बातों को जो है एंग्लिकन चर्च में अडोप्ट किया जाए एंड इसे ही क्या बोला गया ऑक्सफोर्ड मूवमेंट देन सर्टिन प्रैक्टिस ऑफ कैथोलिक चर्च पर इंक्लूडेड इन द एंग्लिकन चर्च अब जो है जो कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिस हुआ करती थी उन्हें जो है एंग्लिकन चर्च में इंक्लूड कर लिया गया एंड इससे क्या हुआ डेवलपमेंट हुआ एंग्लो कैथोलिसिज्म का अब ये एंग्लो कैथोलिसिज्म क्या है ये मिक्सचर है एंग्लिकनिज्म और कैथोलिसिज्म का एंड इसे ही बोला गया एंग्लो कैथोलिसिज्म द मेन सोल एंड स्पिरिट ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज जॉन हेनरी न्यूमैन कि अब ये बताया जाता है कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के मेन इनिशिएटर का नाम है जिन्होंने शुरुआत की थी सो so उनका नाम है जॉन हेनरी न्यूमैन सो फ्रेंड्स इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है यू नेट में सो प्लीज़ रिमेम्बर दिस ड्यूरिंग अर्ली नाइनटीन सेंचुरी यूरोप वॉज गोइंग थ्रू अ सोशल चेंज कि बताया जाता है कि नाइनटीन सेंचुरी के अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में यूरोप में जो है ये देखा गया कि बहुत सारे सोशल चेंजेस जो है नजर आए जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन जिससे क्या हुआ ड्यू टू विच पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च वॉज वीकनिंग अब जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन था चर्च का यानी एंग्लिकन चर्च का वो वीक पड़ता चला गया देन

फॉल होती जा रही है गिरती जा रही है जिसकी वजह से जो है बाकी सारे लीडर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हो गए थे टेंस्ड हो गए थे ही वॉज़ वर्ड दैट एंग्लिकन चर्च डिग्निटी इज़ डिक्रीजिंग कि अब जो है जॉन हैंनरी न्यूमैन वो बहुत ज़्यादा जो है टेंस्ड हो गए थे कि अब जो है एंग्लिकन चर्च की डिग्निटी है वो दिन ब दिन जो है डिक्रीज होती चली जा रही है जिसकी वजह एंड uh, इसका कारण ये था क्योंकि जब अब जो है पावरफुल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है एंड इस अब फिर क्या हुआ जॉन हेनरी न्यू ने जो है स्मॉल ट्रैक लिखा यानी आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि अब जो है हम मतलब चेंजेस लाए जाए एंग्लिकन चर्च के अंदर सो इट्स हाई टाइम वी नीड टू मेक चेंजेस इन द एंग्लिकन चर्च दिस ट्रैक्स सर्कुलेटेड ऑल अक्रॉस इंग्लैंड अब जॉन हेनरी न्यूमैन के इस ट्रैक को जो है पूरे इंग्लैंड में सर्कुलेट कर दिया गया एंड ये जो ट्रैक था ये पॉपुलर बन गया एंड इसी से शुरुआत होती है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की देन चर्च ऑफ इंग्लैंड बिकेम मोर सेक्रामेंटल कि अब जो इंग्लैंड यानी एंग्लिकनिज़म जो जिसे हम चर्च ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी एसोशिएट करते हैं अब ये बहुत ज़्यादा सक्रामेंटल बन गया था एंड अब जो है ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता था अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस पे जैसे कि प्रीस्ट हुड पे सेक्रीफाइजिज पे और साथ ही साथ होलीनेस पे ब्यूटी ऑफ वर्शिप रिचुअल्स सो देर वॉज ग्रेट रिवाइवल ऑफ़ इंटरेस्ट इन चर्च आर्किटेक्चर और साथ ही साथ जो है अब जो चर्च का आर्किटेक्चर था यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो आर्किटेक्चर था उसमें भी जो है मतलब रिवाइवल होने लगा देन उसे भी जो है और भी ज़्यादा पॉलिश कर दिया गया रिफ़ाइन कर दिया गया ऑल टुगेदर इट चेंज एंड रीन्यूड लाइफ ऑफ इंग्लिश चर्च कि इससे मतलब इन सभी चेंजेस की वजह से क्या हुआ इन सभी चेंजेस ने जो है इंग्लिश चर्च की लाइफ को जो है और भी ज़्यादा रीनीूड कर दिया रिफाइन कर दिया देन दिस मूवमेंट वॉज नोन एज ऑक्सफर्ड मूवमेंट एंड इसे ही जो है ऑक्सफर्ड मूवमेंट बोला जाता है देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर यू जी सी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग